हेलो मेरे भाइयों की हाल चाल। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ एक और अमेजिंग से क्लैश रॉयल के वीडियो के साथ। तो आज का जो पूरा वीडियो का कंटेंट है वही हमारा सेम होने वाला है, बट यहाँ पर जो आज का डेक है ये थोड़ा सा अलग होने वाला है, बिकॉज आज के वीडियो को यहाँ पर जो डेक है ये काफ़ी कमाल का डेक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते आज के डेक की तरफ। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकती हैं ये होने वाले आज के वीडियो का हमारा डेक। एंड यहाँ पर ये जो डेक है ये मेरे ही एक सब्सक्राइबर ध्रुविल ने मेरे को बताया था, एंड इस डेक को मैंने यहाँ पर अपने कल के लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ ज़्यादा ही यूज़ किया। एंड यहाँ पर इस डेक को इतना ज़्यादा यूज़ करने के बाद मेरे को एक बात हुई पता लग चुका है कि ये डेक काफ़ी कमाल का है। वैसे अगर हम लोग इस डेक को अच्छे से देखेंगे ना देन ये देखने में इतना ज़्यादा कमाल का नहीं लग रहा होगा, बट जैसे आप लोग इस डेक को यूज़ करेंगे ना देन आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर इस डेक का जो एवरेज एलिक्सर कॉस्ट है वो है 3.4 एलिक्सर, जो कि ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर हम लोग यहाँ पर बात करें विन कंडीशन की, तो यहाँ पर विन कंडीशन में हमारे पास है हॉग राइडर। वैसे यहाँ पर दो विन कंडीशन था, बट मैंने दूसरे वाले विन कंडीशन को हटा के यहाँ पर ले लिया है फायरबॉल। एंड अगर यहाँ पर मैं बात करूँ डिफेंसिव कार्ड की, देन डिफेंसिव कार्ड में यहाँ पर हमारे पास है बॉलर, ईविज एंड वॉलकेरी। ओवरऑल बोले तो जो पूरा डेक है ना ये काफ़ी कमाल का है। एंड अगर आप लोग ये जो डेक है इसको और भी अच्छा बनाना चाहते हैं देन आप लोग यहाँ पर ये जो आइस स्प्रेट है इसको हटा के आप लोग यहाँ पर गॉबलिन गैंग, नहीं तो बैंड्स, नहीं तो मिनियन, इन तीनों में से कोई कार्ड ले सकती है, आपकी मर्जी है, आप कोई भी एक स्वार्म कार्ड ले सकती हैं। बट मेरे हिसाब से जो आइस स्प्रेट है ना ये एक टाइप से अच्छा खासा काम कर जाता है, बट अगर आपको अच्छा लगे देन इसको हटा के कोई दूसरा कार्ड ले लेना। तो चलिए काम करते हैं बिना टाइम वेस्ट के, चलते हैं बैटल में। बट बैटल में जाने से पहले क्यों ना यहाँ पर कुछ चेस्ट ओपन कर लिया जाए, क्या पता हमें कुछ अच्छा मतलब मिल जाए। तो यहाँ पर इसके अंदर से तो कुछ हमें मिला नहीं, देखते हैं इस वाले चेस्ट के अंदर से हमें क्या मिलता है। 3 जेम्स मिले हैं, नॉट बैड। एंड यहाँ पर टोनस्टोन मिला है, कोई ना, इलेक्ट्रो स्पिरिट, ओहो क्या बात है, एग्स बो, इतना बुरा नहीं था यार ये वाला वैसे। तो यहाँ पर अपने आ चुके हैं बैटल के अंदर, एंड स्टार्टिंग में यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट के यूज़ कर देते आइस स्पिरिट, क्या पता हमें यहाँ पर थोड़ा सा चिप डैमेज मिल जाए। ओए हो, इसके पास यहाँ पर ये मोटा वाला गॉबलिन है, यानी कि यहाँ पर हमारे हॉग राइडर को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बट लेट्स सी क्या होता है, इसके पास फिशरमैन बियर है, भाई साहब क्या बात है, काफ़ी डेंजर डेंजर कार्ड लेके हमारा अपोनेंट बैठा है वैसे यहाँ पर अभी। लेट्स सी फिशरमैन यहाँ पर इसको पुल करता है कि नहीं, फायर क्रैकर को, मेरे को लग रहा है वॉल्केरी को पुल करेगा। ओके चलो ठीक है, ये नॉट बैड। तो यहाँ पर मैं पीछे की तरफ ईविज डाल देता हूँ। वैसे यहाँ पर हमें फायर क्रैकर का ना थोड़ा सा डैमेज मिला, मतलब एकदम थोड़ा सा। फायर क्रैकर अगर बच जाए तो ठीक रहेगा, बट लग नहीं रहा है, पर जो फायर क्रैकर है ये बचने वाला है। ये काम करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर लॉक का यूज़ करते हैं, जो कि जाइंट को थोड़ा पिछों की तरफ पुल करेगा, पुल नहीं सॉरी पुश करेगा। वैसे यहाँ पर डैमेज तो कुछ ज़्यादा आ चुका है यहाँ पर, डार्क प्रिंस अरे भाई साहब क्या बात है। लेट्स यहाँ पर डैमेज आता है कि नहीं, वैसे मेरे को लग रहा है हॉग राइडर यहाँ पर कनेक्ट नहीं होगा बिकॉज डार्क प्रिंस है ना मेरे भाई। ओके चलो ठीक है, बॉलर यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है टावर पे, ये सही है भाई। पे बॉलर का क्या डैमेज मिल रहा है, कुछ भी बोलो भाई, बॉलर बफ के बाद जो इसका रेंज इंक्रीज हुआ है ना वो नेक्स्ट लेवल का है, मतलब देख रहे हो भाई यहाँ पर ब्रिज से यहाँ पर सीधा इसके टावर पर अच्छा खासा डैमेज हमें मिल चुका है। अगेन सेम स्ट्रैटेजी, मेरे को लग रहा है ना इस बार ये बैरल जो है अगर मैं फायर क्रैकर को यहाँ पर डालूंगा देन यहाँ पर यूज़ करेगा, इसलिए यहाँ इसको थोड़ा पिछों की तरफ डालते हैं जिससे कि ज़्यादा एडवांटेज भी ना ले पाए। सो, इसको मैं पिछों की तरफ पुल करता हूँ, वैसे एक हिट अभी तक नहीं मिला है, आई थिंक एक हिट आएगा। ओके चलो ठीक है, एक हिट आया, नॉट बैड, इतना तो डैमेज चलता ही है। फायर बल, अरे यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पर चलो ठीक है, इसके पास अभी इतना ज़्यादा एलिक्सर नहीं है कि ये अपने टावर को डिफेंड कर पाए बिकॉज इसने अपर फायर बॉल पर कुछ ज़्यादा खर्चा कर दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा डिफेंसिव खेलूँगा देन मैं बैटल काफ़ी इजीली वॉन कर सकता हूँ। वैसे यहाँ पर बस मेरे को एक या दो फायरबॉल और मारना है इसके टावर पे, इसलिए यहाँ पर मैं इसके लेफ्ट वाले टावर की तरफ ऐसे जा सकता हूँ। ओके, इसने यूज़ किया मदर विच, क्या बात है भाई, यहाँ पर फायरबॉल का जो एडवांटेज मिलने वाला है ना वो नेक्स्ट लेवल का है। थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पर, वैसे ना ये अपना किंग टावर एक्टिवेट करा सकता था लाइक ईजिली, ये अपना किंग टावर बहुत ईजिली एक्टिवेट करा सकता था। ओके, मेरे को लग रहा है यहाँ पर फायरबॉल आ सकता है। सो, यहाँ पर अपने ट्राई करेंगे जितना हो सके उतना ज़्यादा यहाँ पर सेफ प्ले करने के लिए। आइस स्पिरिट डाल देते हैं जो कि थोड़ा देर तो इसको रोक के रखेगा बोले तो ये वाला बैरल को। ओके, मेरे को लग रहा है बॉलर डालना पड़ेगा, स्टिल मेरे को थोड़ा थोड़ा भी डर लग रहा है क्योंकि जो हमारा अपोनेंट है वो भी स्टिल थोड़ा सा डैमेज तो कहीं ना कहीं निकाल सकता है। तो 72 HP बाकी, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फायरबॉल, मेरे को यहाँ पर जल्दी से ईविस डालना पड़ेगा अदरवाइज मेरा अपोनेंट काफ़ी ज़्यादा डैमेज निकाल लेगा। एंड जी, गुड गेम, यहाँ पर वॉन कर चुके हैं बैटल।
वैसे यहाँ पर मेरे को स्टार्टिंग में लगा था कि जो मोटा वाला गॉबलिन है ये हमें थोड़ा डिसएडवांटेज देगा, बट स्टिल हम लोग जो बैटल है वो काफ़ी इजीली वॉन कर गए, बिकॉज हमारा जो डेक है ये एक टाइप से साइकिल डेक है एंड यहाँ पर मैं जो हॉग राइडर है इसे काफ़ी फास्ट साइकिल कर पाया। ओके, तो यहाँ पर चालू हो चुका है हमारा बैटल एंड इस बार स्टार्टिंग में काफ़ी ठीक ठाक कार्ड आए हैं। वैसे अगर हॉग राइडर आता तो ज़्यादा मज़ा आता, बट चलो तब भी कोई ना, एक काम करते हैं थोड़ा वेट करते हैं। इसने डाला है प्रिंसेस, यानी कि लॉग बेट वाला सीन मेरे को लग रहा है यहाँ पर, बट ये तो टाइम ही बताएगा। वैसे यहाँ पर मेरे को फायरबॉल थोड़ा रुक के यूज़ करना चाहिए था, बिकॉज गॉब्लिन गैंग ये डाल सकता अगर इसके पास होगा गॉब्लिन गैंग तो, अदरवाइज टेस्ला ने तो इन्फर्नो यहाँ पर आएगा। ओके, टेस्ला है इसके पास, चलो ठीक है, नॉट बैड। यानी कि यहाँ पर मैं फायरबॉल का एडवांटेज कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ले सकता हूँ। एक काम करते हैं यहाँ पर बॉलर डालते हैं, आई थिंक बॉलर सही डाला है, चलो ठीक है, थोड़ा सा डैमेज आया टावर पे, उतना भी ज़्यादा डैमेज नहीं आया है। वैसे अगर मैं वॉल्केरी डालता ना तब भी सेम एडवांटेज मेरे को मिलता, बट चलो तब भी कोई ना। यहाँ पर मैं लॉक का इस बार यूज़ करूँ क्या? स्टिल अगर बॉलर का एक हिट भी मिलेगा तो ठीक रहेगा, बट लग नहीं रहा मैं बॉलर का यहाँ पर हिट मिलने वाला है। यूज़ कर देते हैं यहाँ पर लॉक। वैसे बैट्स ने कैसे डैमेज दे दिया मेरे भाई, लाइक बैट्स का डैमेज आ गया, ये कुछ जमा नहीं। देखते हैं फायर क्रैकर कनेक्ट होता है कि नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है कनेक्ट होने देगा, एंड जैसा कि मेरे को लगा था ये भाई कनेक्ट होने देगा नहीं। थोड़ा ईवीज यहाँ पर डालते हैं, अगर मैं ईवीज डालूंगा तो मेरे को थोड़ा रिस्की लग रहा है, क्योंकि ये रॉकेट फायरबॉल, आई डोंट नो इसके पास कौन सा स्पेल होगा, वो मार के थोड़ा सा एडवांटेज मे भी निकाल सकता है, बट लेट्स सी क्या होता है। ओके, सो यहाँ पर मैं फायरबॉल को यूज़ करता हूँ टावर पे। एंड बात रही प्रिंसेस की, प्रिंसेस तो यहाँ पर काफ़ी इजिली जा चुकी है, एंड ये भी गया यहाँ पर बैरल। लॉक बेट वाला डेक थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है, बट मैं डबल एलिक्सर में यहाँ पर ट्राई करूँगा थोड़ा डैमेज निकालने के लिए। सो इस बार अपने क्या करेंगे कि हॉग राइडर का कॉम्बो प्ले करेंगे विथ आइस स्प्रेट। इस बार फायरबॉल भी मैं जल्दी डाल दूंगा। वैसे ओके मैं यहाँ पर फायरबॉल डालता हूँ, क्योंकि कहीं तो अपने को एडवांटेज निकालना है फायरबॉल का, बट आई थिंक तीन बैट्स यहाँ पर बच चुके हैं, चलो तब भी कोई ना, हमें हॉग राइडर का दो हिट मिल चुका है। सो यहाँ पर अभी ट्राई करेंगे जो लॉग है इसको अच्छे से यूज़ करने के लिए, बिकॉज मैं ये नहीं चाहता ना कि जो मेरा अपोनेंट है वो यहाँ पर मेरे टावर पर थोड़ा सा अभी डैमेज निकाले, एंड स्टिल यहाँ पर डैमेज निकला नहीं है। बट कुछ भी बोलो भाई, लॉग बेट डेक बड़े इरिटेटिंग डेक होते हैं, मतलब दिमाग पूरा ख़राब कर देते हैं। मेरे को लग रहा है स्प्रेड काफी अच्छा काम करेगा इस पॉइंट पे, प्रिंसेस को लपेटे में लेते हैं। वैसे मेरे को फायरबॉल डालने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, बट क्या ही करेंगे यार, डालना पड़ा। सो अगर मैं लॉक डाला देन डिसएडवांटेज मिलेगा, तब भी लॉक डाल देते हैं क्योंकि मेरे को लगा था गॉब्लिन बैरल कुछ ना कुछ डालेगा ऐसा। एक काम करेंगे बॉलर को यहां पर डालेंगे जिससे कि बैरल नहीं डाल पाएगा। एंड बात रही नाइट की, नाइट का ज्यादा टेंशन नहीं है, प्रिंसेस का भी यहाँ पर ठीक है। ये फायर क्रैकर लपेटे में लेनी ही ऑलमोस्ट वाली थी, बट बच चुकी है यहाँ पर। ओके चलो, अब यहाँ पर मेरे को लग रहा है एडवांटेज मिलने वाला है, अब मेरे को लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, एंड यहाँ पर मिल चुका है मुझे एडवांटेज। हॉक का यहाँ पर एक हिट आ चुका है, बट एक और हिट आता तो ज़्यादा मज़ा आता, बट दूसरा हिट नहीं आया यहाँ पर। ओके मेरा थोड़ा ये मिस्टेक हो गया, क्या बोलते हैं इसका, थोड़ा सा यहाँ पर मेरा ये मिस्टेक हो गया है इसका वॉल्केरी का, इसलिए मेरे टावर पे थोड़ा ज़्यादा डैमेज आ चुका है, बट मेरे हिसाब से इतना डैमेज चलता है। अगर मैं ये डाला एंड फायरबॉल का अगर मैं यूज़ करता हूँ इस पॉइंट पे, डोंट नो टेस्ला किधर आएगा। चलो ठीक है, टेस्ला एकदम सही जगह पर आया है, कहीं तो मेरे को फायरबॉल का एडवांटेज तो निकालना ही है। ओवर टाइम में जा चुके हैं, अरे भाई साहब ओवर टाइम। ओके चलो ठीक है, नॉट बैड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जा चुका है, एंड जो मेरा गेम है ये पूरी तरह से रुक चुका है। लिटरली ये जो पूरा मैच है ना, मैं काफी इजिली वॉन कर सकता था, बट क्या ही करेंगे यार, आज अपना लक्की खराब है, चलो कोई ना। तो यहाँ पर बस आज के वीडियो में इतना ही गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद है देन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।